Welcome once again in my physics class. In previous lecture, we discussed about vector, types of vector and some important points. Now in this lecture, I am going to discuss addition of vectors. So give ready. Addition of vectors. Now, vectors added geometrically. At a point, vectors added geometrically. Now see what is the meaning of this. To understand this meaning, first write down triangle law. Triangle law, or you can say ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अब देखो, मान लो कि ये है इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, आपको जाना है यहां पे, दैट इज योर फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट है, ये हो गया फाइनल पॉइंट, आपको यहां से यहां तक जाना है. तो पहले आप क्या किए कि यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक. अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी. तो मान लो यहां से आपने यहां तक गया, ये हो गया आपका एक डिस्प्लेसमेंट, मान लो ए वेक्टर. यहां से यहां तक गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बी वेक्टर. तो आपने दो वेक्टर के हेल्प से इनिशियल टू फाइनल पोजिशन मूव किया. अगर आप ऐसे ना जाके, अगर ऐसे जाते, तभी तो आप फाइनल पोजीशन पहुंच जाते. तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर. अगर दो इस पाथ को फॉलो ना करके अगर आप ये पाथ फॉलो करते, मान लो ये वेक्टर है आपका आर वेक्टर, तब भी आपका इफेक्ट सेम होता. इफेक्ट मीन्स आपको जाना तो यहीं पे था ना. अगर ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, पहुंचोगे तो यहां पर ही. तो ये बोल सकते हो कि ये दो डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट जो होगा, इसका भी इफेक्ट सेम होगा. तो यहां पे आप बोलते हो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. और इसको लिखते हो आप आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी. ओके, अब देखो ट्राइंगल में आते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लो. डेफिनेशन है इफ टू वेक्टर्स represented by represented in magnitude and direction represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then closing side of triangle रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन
रिवर्स ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। राइट डाउन फर्स्ट ट्राइंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको अभी इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ये हो गया आपका ट्राइंगल। तो पहले क्या है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो यहां पे देखो, ये हो गया आपका एक वेक्टर ए, ये हो गया बी वेक्टर, फिर सेकेंड वेक्टर। तो ये जो लेंथ है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो हमने यहां पे दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, अगर हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो हम दो वेक्टर को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया आपका दो वेक्टर। तो जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड, ये हो गया आपका क्लोजिंग साइड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स ये देखो, ये ऐसे गया ऐसे, तो ये क्या है, दोनों सेम ऑर्डर पे, तो ये क्या है आपका ऑपोजिट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में जो होता है वो होता है आपका रिजल्टेंट। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर, नोट डाउन। अब देखो, अभी हमने कहा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये होता है आपका वेक्टर एडिशन। तो अभी आपको चाहिए जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मान लो आपका टू वेक्टर है a एंड b, ये हो गया आपका वेक्टर a और ये हो गया आपका वेक्टर b, दैट इज रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर। तो क्लोजिंग साइड इन रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा आपका रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये क्या है आपका आर वेक्टर है, हमें इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब देखो कैसे करेंगे, मान लो ये एंगल है थीटा और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करो, नाम दे दो पी क्यू आर, नहीं आर नहीं, पी क्यू एस एंड टी। तो अब देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लिखो ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आप मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड ए और सिंपली ए। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर। तो अब देखो ये थीटा है क्या, अगर मैं ये बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करूं, अगर मैं ये बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करूं या ए वेक्टर को इधर शिफ्ट करूं, ए वेक्टर को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्या बी का और ए का टेल जॉइंट है, अगर टेल जॉइंट है तो ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, एडम थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस वन इज योर बी वेक्टर। ठीक है,
तो अब देखो इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू टी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियोरम आई कैन राइट पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वेयर प्लस पी टी स्क्वेयर, हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। तो फिर से इसको लिखो पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू टी, ये हो गया आपका क्यू टी, दैट इज क्यू टी स्क्वेयर। नाउ पी टी स्क्वेयर, पी टी क्या मैं पी टी को लिख सकता हूं पी एस प्लस एस टी, ये हो गया आपका पी एस प्लस एस टी होल स्क्वेयर। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू टी एंड एस, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया टी, ये है एस। अच्छा ये क्या है आपका बी वेक्टर, तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पे अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखोगे आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू टी डिवाइड बाय क्यू एस, क्यू एस क्या होगा आपका बी, बी है क्योंकि आपका हाइपोटेनियस है बी। तो यहां से आपको मिलेगा क्यू टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज एस टी बाय बी, तो यहां से मिलेगा एस टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्लियर, अभी इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करो। तो अब देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू तो ये जो लेंथ है पी क्यू वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज योर आर स्क्वेयर क्यू टी स्क्वेयर, दिस इज योर क्यू टी एंड क्यू टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस पी एस, पी एस हो गया आपका ए वेक्टर, तो अगर ये लेंथ पी एस है तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये होगा ए प्लस एस टी इज बी कॉस थीटा होल स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको ओपन करो अभी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दी स्क्वेयर प्लस दी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से बी स्क्वेयर को ले लो कॉमन, बी स्क्वेयर को ले लो कॉमन, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज वन, तो ये हो गया आपका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये हो गया वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, नोट डाउन। ओके, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। देखो ये जो डेरिवेशन है ये आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम के लिए, लेकिन ये जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट निकला ये आपके हर चैप्टर में यूज होगा, इलेवेंथ के मैक्सिमम सारे चैप्टर में यूज होगा, ट्वेल्थ के भी मैक्सिमम सारे चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए इसके जो जो भी रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। ओके,
अब देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अल्फा एंगल फ्रॉम ए वेक्टर, अल्फा एंगल फ्रॉम ए वेक्टर। तो फिर से इस ट्राइंगल में इफ आई राइट टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होगा, बेस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू टी, बेस क्या है पी टी, अगेन क्यू टी डिवाइड बाय पी टी। पी टी को लिख सकता हूं मैं पी एस प्लस एस टी, पी एस प्लस एस टी। देन अगेन राइट टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू टी क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड बाय पी एस, पी एस हो क्या ए वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एस टी, एस टी है आपका बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका टेन अल्फा का फॉर्मूला, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके नोट डाउन, नाउ नेक्स्ट वन इज योर पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पहले डेफिनेशन लिख लो, इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by two sides of two adjacent sides, adjacent side of a parallelogram, of a parallelogram, then diagonal from their common point represented as resultant, resultant in magnitude and direction. तो अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हो गया सपोज आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो पहले क्या है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड मींस मान लो ये पॉइंट है, ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी, then their common point diagonal from their common point represent at resultant. तो दोनों का common point क्या है, ये point है, तो यहां से जो diagonal होगा ये diagonal represent करेगा resultant of A and B, that is your R vector. ठीक है, ये हो गया A vector, ये हो गया B vector, अगर दो side of parallelogram
रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर को ए एंड बी, तो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका थीटा, टोटल एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये एंगल हो गया आपका अल्फा। अल्फा क्या था? डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम ए। देखो ये और ट्राइंगल लॉ नियरली सेम है, नियरली सेम है। अगर क्वेश्चन कभी आए कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, तो दोनों का डेरिवेशन सेम है। कैसे सेम होगा? बी वेक्टर को उठा के यहां पे ले आओ। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हम एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर टू एनी प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम अभी इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो अब देखो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। क्या ये सिमिलर टू ट्राइंगल लॉ हो गया? ऑब्वियसली हो गया। तो फिर से अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? तो फिर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस ट्राइंगल लॉ में जिस प्रोसेस फॉलो किए थे सेम प्रोसेस यहां पे भी फॉलो होगा टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट यहां से भी अगर फाइंड करोगे तो सेम होगा, आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके तो अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ आया कैसे? एग्जाम्पल देखो ये कैसे हो सकता है। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, आपने इसको इधर एक फोर्स लगाया, मान लो F1, एक फोर्स इधर लगाया F2, दो फोर्स लगा रहे हो F1 एंड F2। ऑब्वियसली अगर फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव करेगा, तो मान लो कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन है यहां पे, यहां से यहां तक, ठीक है। मतलब अब जब दो फोर्स लगा रहे हो ड्यू टू दिस टू फोर्स बॉडी मूव हुआ यहां से यहां तक। तो अगर मैं ये दो फोर्स ना लगाता और सिंगल फोर्स लगाता ऐसे, मान लो ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर, अगर मैं ये सिंगल फोर्स लगाता तब भी क्या बॉडी ऐसे ही मूव होता? अगर मैं ये दो फोर्स लगा रहा हूं बॉडी यहां पे पहुंच गया, और मैं अगर सिंगल फोर्स लगाता तब भी बॉडी यहां पे पहुंच रहा है, तो ये बोल सकते हो कि इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ एफ वन एंड एफ टू। तो यहां पे लिखोगे आप आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। तो ये हो गया आपका एफ वन वेक्टर, ये हो गया एफ टू वेक्टर, और ये होगा आपका आर वेक्टर, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। F1 ये हो गया F2, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके नोट डाउन। नेक्स्ट पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ इज सिमिलर टू योर प्रीवियस टू। वो कैसे? मान लो पॉलीगन का मीन्स हो गया आपका मोर देन टू वेक्टर्स। पॉलीगन पॉलीगन में कुछ भी हो सकता है, मान लो एक वेक्टर है ए ऐसे, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर। सारे वेक्टर सेम ऑर्डर पे है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लोजिंग साइड होगा, जो क्लोजिंग साइड होगा वो होगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा आपका आर वेक्टर। तो ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ। चार वेक्टर हो सकता है, फाइव हो सकता है, एट हो सकता है, और इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है। तो हमेशा जो क्लोजिंग साइड होगा वो होगा आपका रिजल्टेंट। लेकिन याद रखना रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर में हो गया तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। मैंने बोलता कि आपका ये है आपका ए वेक्टर, बी सी, दिस वन इज डी,
और आर ऐसे ना हो के ये ऐसे होता, मतलब सब क्या है सेम ऑर्डर पे है। तो यहां पे होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है, मीन्स यहां से ऐसे गए, यहां से यहां पे, यहां पे यहां से यहां तक, फिर यहां से इनिशियल पॉइंट, अगर इनिशियल पॉइंट पहुंच जा रहे हो तो नेट क्या होगा आपका जीरो होगा। ओके और सिंपली ये भी बोल सकते हो अगर ये r है तो क्या ये आपका माइनस r हो जाएगा। अगर ये r वेक्टर है तो डायरेक्शन में रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस r। क्लियर, अगर ये माइनस r है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। तो ये हो गया माइनस r को इधर ले आओ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, जब आपका डायरेक्शन ऐसे होगा आर का। क्लियर, तो अभी के लिए अगर ये हो गया आपका रिजल्टेंट तो इसके लिए होगा आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी वेक्टर्स। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो आर वेक्टर, मान लो यहां पे और एक वेक्टर है ई, इसका प्रूफ देखो। मान लो यहां पे एक वेक्टर है आपका ई और ये है आपका एफ। ठीक है, तो यहां पे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल यहां से यहां तक ये एंड ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में E वेक्टर एंड D वेक्टर सेम ऑर्डर है तो मैं लिख सकता हूं R वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर प्लस E वेक्टर, लिख सकता हूं। अब ये ट्रायंगल देखो, F वेक्टर C वेक्टर सेम ऑर्डर है तो क्या ये E वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देखो, ये है आपका E वेक्टर, ये है आपका F वेक्टर, ये है आपका C वेक्टर। तो F वेक्टर C वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट होगा E वेक्टर। देन आई कैन राइट E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब ये ट्रायंगल भी देखो, ये है आपका A वेक्टर, ये है आपका B वेक्टर और ये है आपका F वेक्टर। देन अगेन ट्रायंगल लो, यहां पे पुट करो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज योर एफ वेक्टर, लिख सकता हूं अभी। तो अब देखो एफ वेक्टर हो गया ए प्लस बी, एफ वेक्टर इज ए प्लस बी, तो इन प्लेस ऑफ एफ पुट ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो ई वेक्टर का वैल्यू को अभी यहां पे पुट करो, अगर ई का वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, जो कि ये है। ओके, दिस वन इज योर पॉलीगन लॉ, नोट डाउन। सी स्पेशल केस, स्पेशल केसेस आपने अभी पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्या ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा। मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और आप अभी एंगल को चेंज कर रहे हो, यू वेरीज द एंगल थीटा एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट,
तो ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो देखो अभी व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा का, वन। अगर कॉस थीटा वन है तो थीटा क्या होता है जीरो डिग्री। अगर ये जीरो है तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो आप लिखोगे आर मैक्सिमम, ये वन दे दो स्पेशल केस वन, आर मैक्सिमम इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस जीरो, क्या पुट करूंगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या है आपका कॉस जीरो, तो लिख लो पहले लिखो कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो ये हो गया आपका वन। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम ए प्लस बी होल स्क्वेयर अंडर रूट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहां पे रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या था टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन थीटा, थीटा है आपका जीरो डिग्री, तो साइन जीरो क्या होता है साइन जीरो जीरो होता है। अगर साइन जीरो जीरो है तो टेन अल्फा जीरो, अगर टेन अल्फा जीरो है तो अल्फा भी होगा जीरो, ठीक है। मीन्स अगर एक वेक्टर है ऐसे ए, दूसरा वेक्टर है बी, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल होता है जीरो डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल होगा जीरो डिग्री, और जो रिजल्टेंट होगा वो भी इधर ही मूव करेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम होगा ए और बी का, क्लियर। अब देखो सेकेंड केस, आर मिनिमम कब होगा जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस वन, मीन्स व्हेन कॉस थीटा इज माइनस वन, तो थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस वन है तो थीटा होता है 180 डिग्री, थीटा होगा 180 डिग्री। तो यहां पे लिखोगे आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस 180, तो कॉस 180 होता है आपका माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन। तो अगर माइनस वन यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कॉस 180 क्या है माइनस वन है, पुट कर दो यहां पे माइनस वन, तो माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ये हो गया आपका ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वेयर अंडर रूट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी विथ मॉड, मैंने मॉड क्यों दिया क्योंकि आपका ये b माइनस ए हो सकता है और a माइनस बी भी हो सकता है, ठीक है, a माइनस बी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है। तो अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अच्छा यहां पे एंगल हो गया 180, अगर एंगल 180 पुट करोगे तो फिर से ये जीरो होता है, फिर से क्या होता है जीरो, देखो अगर टेन अल्फा जीरो है तो अल्फा जीरो भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे वो देखो, मान लो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये हो गया आपका बी वेक्टर, अगर दोनों का डायरेक्शन ओपोजिट है तो दोनों में एंगल होता है 180 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगा जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की मैग्नीट्यूड बी है देन डायरेक्शन ऑफ आर
इज सेम एज ए, सेम एज ए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बी इज ग्रेटर देन ए तो डायरेक्शन ऑफ आर होगा सेम एज बी, जो ज्यादा होगा उसी की तरफ आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। नोट डाउन, नाउ थर्ड वन। अब देखो थीटा है 90 डिग्री, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो मान लो ये है आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर है बी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर एक्टिंग करेगा, अलोंग द डायगोनल, दैट इज योर आर वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे अच्छा थीटा हो गया 90 डिग्री, तो आर क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 के वैल्यू जीरो, तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी ये जो लेंथ है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका अल्फा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ आर, तो क्या लिखोगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो थीटा क्या है यहां पे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 90, तो कॉस 90 होता है आपका जीरो, साइन 90 होता है वन, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका बी, ये हो गया वन, तो बी इंटू वन डिवाइड बाय ए प्लस ये क्या है जीरो, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका बी बाई ए। और सिंपली बोल सकते हो ये फ्रॉम दिस ट्राइंगल टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये बी है तो परपेंडिकुलर बी बी, और ये हो गया आपका ए, दैट इज बी बाई ए। नोट डाउन।